रिस्क इन अपवर्ड राउंड्स। जो सीट मुझे मिल गई है बट मैं उसे नहीं लेना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरी सीट लूँ जो कि अपवर्ड राउंड्स करवा के लूँ। बट क्या इससे मेरी पहली वाली सीट सेफ रहेगी? आज मैं इसके बारे में ही बताने वाली हूँ। ये बात मैं अपने मन से नहीं बता रही, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी जिसमें रीप के थ्रू मेरी बात हुई थी और वहां से जो डेटा मिला है मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, और इस डेटा के बेसिस पे ही अब आपके आने वाले सारे राउंड्स होने वाले हैं। मैम एक डाउट था कि जो अपवर्ड राउंड में अपन अप्लाई करता है तो पहले की सीट सेफ रहती है? क्या बोल रहा हूँ? एक डाउट था कि रीप में जब अपवर्ड राउंड्स में अप्लाई करते हैं तो जो ऑलरेडी सीट मिली होती है वो सेफ रहती है क्या? कौन सी? थर्ड राउंड वाली? जैसे अगर मैंने TFWS में मेरे को सेकंड राउंड में मैंने अपवर्ड करवाया तो क्या मेरी थर्ड राउंड में अगर मेरे को सीट नहीं मिली तो पहले वाली सेफ रहेगी? राउंड टू में सीट मिल गई है बट मुझे वो नहीं लेनी, मैंने अपवर्ड करवाया, तो क्या मेरी थर्ड राउंड में नहीं मिली मुझे सीट लेकिन मुझे सेकंड वाली अब सेफ रहेगी? हाँ सेकंड वाली रहेगी, आपको थर्ड राउंड में नहीं मिला ना, मतलब आपको कॉलेज हाँ। नहीं मिला तो सेकंड रहेगी। और ऐसे ही अगर मैं अपवर्ड या आउटसाइड वाले हैं उनके लिए अगर देखेगी अभी अगर ये राउंड वन में राउंड फोर में उनको सीट मिल गई है बट वो राउंड फाइव में अपवर्ड करवा रहे हैं तो क्या उनकी भी सेफ रहेगी? रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी उनको। हाँ रिपोर्टिंग करवाएंगे अपवर्ड, पहले रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी फिर अपवर्ड करना पड़ेगा आगे वाले से। उनकी सीट भी सेफ रहेगी? देखो सेफ जब रहती है, जैसे मालूम को कॉलेज नहीं मिलता ना, मालूम फिफ्थ राउंड में नहीं मिलेगा तब सेफ रहेगी, फोर्थ वाला मिल जाता है तो सेफ। हाँ बस मैम यही पूछ रही थी कि अगर अगर मिल जाती तो फिर वो नहीं रहेगी, अगर नहीं मिलती तो पहले वाली सीट तो कंफर्म है ना? हाँ पहले वाली रहेगी, जब तक आपको राउंड नहीं मिलता है ना मालूम वो तब तक सेफ रहेगी, बाद में नहीं रहेगी। ओके थैंक यू सो मच मैम। ओके तो इस रिकॉर्डिंग से एक चीज तो क्लियर पता चल गई है, अगर आपको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है तो रिपोर्टिंग करवा के आपको अपवर्ड राउंड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको अपवर्ड राउंड में सीट मिल जाती है तो पहले वाली सीट आपकी नहीं रहेगी, बट अगर सीट नहीं मिलती है तो आप वो सीट वापस ले सकते हैं, तो इस मामले में आपकी सीट बिल्कुल सेफ है। बट अगर आपको कोई सीट ही नहीं मिली है तो आप डायरेक्ट अपवर्ड राउंड्स के लिए एलिजिबल हो। ओके तो अगर आप MBM में आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए है कि हॉस्टल्स यहाँ कैसे हैं। जल्दी से जल्दी एक वीडियो आने वाली है हॉस्टल्स के ऊपर जिसका काम शुरू हो चुका है। इसको लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूटे ना। ऑलराइट बाय, मैं मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में।